मेरी पहली विश हो गई मेरा लंदन में घर हो और मैं लंदन चला गया। रमजान शरीफ में आपको एक शरीर की अफजा मिलेगी। देखें प्लीज ऐसे आप नहीं कर सकते मेरे को। मेरे वो खो गए तो क्या नाम तो छूटेगा पता नहीं दबके रहे आप वो दबके ही रहता था एक हाथ के नीचे मुक्का मार के दस 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 ओ सैदी का टाइम हो गया बाहो तुराई बनाई थी आप कल बनाई थी दिखाई कर रही है तुम्हारी तुराई बोली की बोली। तो अब हम करेंगे सहरी सहरी का मजा लेते हुए लुत्फ लेके अपने हाथों को आंगन में उठा आंगन में उठा आंगन के साथ सर झुका कर आंगन क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह इस शुरुआत के साथ लुत्फ अंदाज हो के बड़े ही लसी बस घर में सोता रहता ये लो ये लो ये लो अम्मा कैरी ऑन मेरा पराठा होगा हल्दी तेल तुम रोजा रखोगे अपना पराठा उठा के लगा रहे रोजा रखेगा नहीं रखेगा कुछ हमारे घर में जो रोजा ईमानदारी के साथ रखा गया है वो सारे रोजे रखे कशा अंसारी फारिस ने भी टोटल दो रोजे छोड़े हैं बिना सहरी का रखा कल का मैंने हाँ, फारिस ने एक रोजा छोड़ा मेरे सारे रोजे और आयत ने भी एक भी रोजा नहीं छोड़ा है हम तीनों चल रहे ईमानदारी के साथ और क्या बोलते है भाई ने टोटल दो रोजे रखे कितने आठ रोजे रखे भैया आठ रोजे इसकी रोजा खुशाई आई एम प्राउड ऑफ यू माय बिग ब्रदर इसकी रोजा खुशाई क्यों नहीं कराई आप एक बात बताइए आप कल का रोजा रखेंगे तो हम आपकी कल रोजा खुशाई के लिए फूलों का आंगन बिछा के इस दस्तरखान पे आपकी खुशामदीद कहेंगे क्यों मेरा मजाक बना रहे हो सॉरी आई एम सॉरी भाई ने सारे रोजे रखे इस रमजान जो 30 नहीं हुए हैं वो भी पहले से रखता हुआ आ रहा आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान होगा जो रोजा खोर है बट हम तीन बहन भाई बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत ही मजेदार सी तुरई बनाई है कशफ अंसारी ने जो तेल कौन डालता है ये मैंने नहीं डाला ये ऊपर से लाके किसी ने डाला था कौन सा आई हैव एन आईडिया मुझे नहीं पता मेरे खाने को बुरा बनाने के लिए आपकी बहू भी ये काम करती है बहू ऐसे काम नहीं करती यार मैं व्लॉग के अंदर ही क्यों मारती व्लॉग के पीछे तक सही है व्लॉग तुमने नाम गलत लिया मेरी बहू के बारे में मेरी बहू ये सब काम नहीं करती है आप भी मेरे पास एक आईडिया है आपकी बहू बहुत सीधी उसने वॉलपेपर में फाड़ा आप ही फाड़ा फिर किसने फाड़ा है बेदिहानी में वॉल पेपर फट गया गाइस बहुत ही सुगर लड़कियां पाई हैं ये सुगर और एक इनकी बहू सुगर मैं तो कोई काम ही नहीं करती ना कि कुछ खराब हो इसलिए तेल लगा दिया ना तुमने तेल लगा दिया इस तुरई को निचोड़ो फिर तेल लगा के इसमें पकौड़ा तल लेंगे मैं यही करना पड़ेगा हंसना बाहर है सासू आया थे ये हंसना के निकाल ले कल हम इसी तेल में पकौड़े तलेंगे देख लेना लेकिन इतना तेल डालने के बाद तो किसके खाने में टेस्ट नहीं आएगा तेल डालने टेस्ट चला जाता सारा मसाला तेल से आ जाता है ना कितने मजे की बनाई नमक भी परफेक्ट मिर्चे भी परफेक्ट परफेक्ट चीजें ये पूरा टाइम अरे भाई टाइम हम उठ गए एक मिनट पांच मिनट बाद
हजरत रोजा में धोने में 15 मिनट बाकी है। तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी है। हजरत रोजा में धोने में 10 मिनट बाकी है। हजरत रोजा में वो लोग हैं जिनको बोलना चाहिए जा पागल के बच्चे उठ जाओ, फिर मेरे को नौकर ने इतने सारे नौकर रखते ना उनको तो कोई फिक्र ही नहीं। बात मुझ पर चल रही थी, कहाँ चली गई? कहीं भी मुड़ जाती है इधर बात। क्या कह रही हो? सारे जहाँ के पड़ोस के भी बर्तन आज जमा करती हूँ। पता है मैं क्या करती हूँ? मैं ना इसके लिए ना सारे आज करा है। आती नहीं हूँ। फारूक पता है मैं क्या करती हूँ? फारूक तेरे तो आज तुम्हारे में she doing my साथ। अरे सीजन सुनो तो मैं क्या करती हूँ, पहले सुन ले देख। आज ना सुबह से पूरा दिन पता मैंने क्या करा, ये बर्तन धो रहे घुसी यार, जब बर्तन धोती हूँ ना साइड में बर्तन पड़े होते हैं, फिर बर्तन सुनो मैंने क्या करा, मैंने ना टेबल के सारे बर्तन वर्तन खाली करे, उसको दी सारी टेबल साफ कराई। हाँ सुनो, फिर ना मैंने उसको जमा करके दी और ना किचन के भी सारे बर्तन जमा करके इसको दे दिए मैंने। अब पता क्या, अभी रुक जाओ ना आगे की बात है। फिर अभी क्या करा, फिर देखा ये बर्तन धो रही है और बेसन भरा पड़ा है ना, मैंने सारे टेबल के खाली करे, तुराई की पतीली खाली करी, प्याला में सब कुछ रखा और क्या करा इसको दे दिया। फिर गई फ्रिज में, फ्रिज के अंदर सारे बर्तन निकाले गंदे तंदे में और तब इसके लाके प्रास रख दिए। सॉरी बाय, अब आप धो कर आइएगा और रगड़ रगड़ के धोइएगा बर्तन, पेलिएगा नहीं रगड़ रगड़ के। मेरे मुंह पे जनाजे का पत्ता फारूक आयत को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। आओ बेटा पहले जो कर मुझे इस पर छोड़ रही है, इसको मुझ पर छोड़ रही है। क्या बोल रही हो? तुमको इस पर छोड़ रही हूँ। और उस दिन पता नहीं मैंने कल क्या बोल दिया कि गाइस मैंने व्लॉग पढ़ा है, अब मैं नमाज बना रही हूँ। नहीं मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, मेरे को तो मेरी बात को तब पकड़ा, मुझे याद ही नहीं मैंने कब बोला, व्लॉग देखूंगी तो पता लगेगा। करके खा के करके भूल जा। चलो मैं अजान का वेट हो रहा है गाइस, अजान होती है नमाज पढ़ते और फिर सो जाएंगे, और कल है मेरा गेम शो और गेम शो में भी जाना है, बड़ी टेंशन है। तो मैंने सोचा सोते हुए आपको अपने कमरे का भी अगेन वॉलपेपर दिखा दूं, वहाँ मेरे कपड़े सारे पड़े हुए इसलिए क्योंकि अलमारी यहाँ पे लगेगी, तो ये प्रेस होके अंदर जाएंगे। वाइट वाली अलमारी मेरी रेडी हो गई है और बेड भी रेडी हो गया, कल मेरा गद्दा भी आ जाएगा, फर्नीचर ऊपर आएगा, तो आप लोगों को रूम टूर कराऊंगी मैं। भाई से मैं पूछती हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास जीनी होते तुम क्या विशेष मांगते? तीन, बस तीन, अनलिमिटेड पैसा नहीं है। ये क्या बात हुई? जीनी गरीब है, जीनी गरीब है, ये जीनी का मसला है, मुझे तो चाहिए, मेरी विश है। अपने आवाज में आ गया वो, देखो आगे आगे आगे। पहली विश मेरी ये कि मेरा इसको दिमाग सही कर दे इसका, मेरा लंदन में अपना घर, लंदन में इसका अपना घर, चूहे का वो घर नहीं होता। कि मैंने बोला मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज दे, तो बोलती पाकिस्तान से बाहर का लांडी लांडी पाकिस्तान से बाहर लगता है, बोलती सॉरी मैं सोचती थी कराची से बाहर, लांडी कराची से बाहर, सोचती मैं सोचती थी कराची से बाहर, दिमाग सो फनी। अच्छा खैर मेरी पहली विश हो गई, मेरा लंदन में घर हो और मैं लंदन चला जाऊं। चकल देखिए हमने लंदन में वाली भी नहीं है इसकी चकल, लंदन वाले भी नहीं है। फिर अच्छा दूसरी क्या विश है? अरे यार इंसान का ड्रीम है, मेरे पास विश ये है, मेरे पास 100 करोड़ बिलियन रुपीस हो। अभी गेम में 10 रुपए भी नहीं होंगे जब के है 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 वो भी किसके 10 रुपए पूछो आप ही के। आया तो जो आ जाते हमारे आगे 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 छोटी है ना, छोटी हमारे को सिखाया, हमें सिखाया है कि छोटों की इज्जत करनी, हमें सिखाया बड़ों का मुंह तोड़ देना चाहिए ऐसे बड़े हो तो, नहीं आप जैसे तो प्यारे होते हैं। मैं क्या तेरी बोटी लेके खा रहा था या तेरी बोटी खा ली थी पहले? बचपन से ना मुझे बहुत बुलाया है, जब भी छोटी थी आप इसको मैंने घोड़ा तीसरी बार बना इस पे सैर करी, इसको मैं घोड़ा बना इस पे बैठ जाता, बता चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान किसी बीच
बताइए बाप ब्रदर। अच्छा तीसरी विश मेरी ये है, इंसान का बच्चा बनाए पहले तो आया को गोरा कर दे। आयत का कलर बहुत प्यारा है बेटा, ऐसी लड़कियां मुझे ना अपने कलर से कोई वो नहीं है, ये नेचुरल ब्यूटी होती है और ये कैमरा में बहुत प्यारी आती है। करीब से दिखाओ प्लीज, करीब करीब दिखा दो। ये तो चीटिंग है। सही से विशेष पूरी हो गई आप ही, अब तुम बताओ अपनी, मैं आखिर में बताऊंगी मेरी तीन विशेष। सबसे पहली विश मेरी ये है कि मुझे जो है ना मम्मा ये जी चलिए इधर विषय बाबा। सबसे पहली विश जो मेरी है वो ये है कि ना मैं मम्मा पापा को अपना घर दूं, अपना मतलब के सर पे अपनी छत हो, मैं कहीं पे भी चली जाऊं मम्मा पापा के पास। ये औरत पैसे मांग तो घर बना के भी दे देगी। नहीं अब हो गया, मुझे पैसे, मैं आप इतनी मेहनत करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पैसे मैं खुद कमा लूंगी, तो मुझे ऐसे भी नहीं क्यों मांग रही। जितने पैसे नहीं हो पाते ना मेरे पास, तुम लोगों जैसे पैसे बचने का देते हो, पैसे तो पैसे मांग रहे हो। तुम लोगों जैसी विशेस नहीं चाहिए ना, ये विश मुझे अल्लाह पाक चाहिए, जीनी वीनी से नहीं चाहिए, एक अपना घर चाहिए जिसे हम बाबा के। जीनी जीनी मुझे पैसे चाहिए बेटा, अवश्य मिलेंगे। मेरी विश सुनो, पहले मम्मा बाबा को अपना घर हो, और मेरा मतलब दिल से ख्वाहिश है, जैसे उम्रा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर ही लेंगे इंशाल्लाह, मैं मम्मी पापा और अपने शौहर के साथ हज करूँ, और तीसरी विषय मालदीव जाने की अपने शौहर के साथ। अमेरिका विषय मालदीव है क्या विषय। बिस्मिल्लाह मेरी विश ये है अल्लाह ताला से मैं बहुत कमाऊं और ऐसे गरीबों को ना खिलाऊं। तू गरीब, मेरे विश में ही होना था। चार मिनट का हो गया ना, ऐसे गरीबों को खाना खिलाऊं, इनके लिए अभी से कपड़े खुदवाऊं, खिला खिला के मुस्टंडा करके दफना रही है। अच्छा दूसरी ये क्या है, एक में पैसे कमाऊं जैसे वो खिलाऊं और कपड़े खुदवाऊं, एक ही हो गई। पैसे नहीं मांगा अभी तक, पैसे नहीं मांगा, पैसे कमाऊं खाना खिलाऊं कपड़े खुदाऊं। दूसरी ये कि मैं डॉक्टर बन गई, इन्हीं का इलाज करूं। खबर में भी डाल दिए, इलाज भी कर रही, बहन तो चाह क्या रही है, कैसी विषय। अब दो हो गई, अब तीसरी बताओ क्या चाहती हो तुम, ये चीज मिल रही क्या, आप शादी करके मुझे अपने साथ लेके चले। गाइस नहीं रह सकती, ये डॉक्टर बनेगी, आएंगे आंखों का ऑपरेशन कराने, दांत निकाल के उसकी नसें जोड़ देंगे। भाई अगर डॉक्टर बने तो चाहते मेरे साथ जाना मेरे ससुराल, क्यों तुम दोनों को ले जाना पड़ेगा ऐसे घर में शादी करना जहाँ तुम्हारा देवर बावला हो, थोड़ा ऐसी लड़की पसंद कर ले तो साथ ही ले जाना। हंसी नहीं आई इससे, मुझे भी नहीं आई चीज। आ गई। और तुम्हें चौथी में जो मांगी भाई टांगों का वैक्स हो जाए। चलो एक चैलेंज बना देता, फारूक की टांगों के बाल उड़ाएंगे जगह जगह। बालों का नहीं, मैं डायरेक्ट इसके यहाँ का वैक्स करना चाहती हूँ। इससे पहले फारूक को एक चैलेंज देते हैं 50,000 का, गंजा हो जाए इससे पहले। देख लो बेचारे का फोन तो 50,000 के लिए कुछ भी कर लेगा, इसका फोन तो आ जाए, इसको फोन ही दे देंगे। अगर तू मुझे Xmax दिलाओगी तो मैं गंजा हो जाऊंगा। Xmax अच्छा बस भाई सो जाओ, टाइम होने वाला है 4:30 बजे, नमाज पढ़ के तीनों, और आज सात तीनों नमाज पढ़ेंगे, मैं व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि अकेली मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ। दो तीन दिन से भाई शलवार कमीज पहना हुआ था कि आप ही व्लॉग बनाई रात में लेटते हुए, आज बनाया नहीं उस दिन जब आज चड्डा पहन के लेटे थे तो व्लॉग बना दी। कोई नहीं, चलो कोई नहीं। हाँ तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ, और उठने के बाद जो है अब मैं बोल के लिए निकल रही हूँ, और नीचे काम चल रहा है तो नीचे देखते हैं कि मेरा बेड कहाँ तक पहुँचा है, बड़ा है या नहीं बना। ओ नाइस, और ये देख सकते हैं आप लोग नेट की सेटिंग्स हो रही हैं अभी, ये जब रेडी होगा तो पता लगेगा कि ये कैसा बना है। अलमारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, ये खड़ी भी है, और अब मेरी ड्रेसिंग बनना स्टार्ट हो रही है, और ये पता नहीं क्या है लेकिन खैर ये मेरा बेड है। बस अभी मैं जा रही हूँ, मेरी ड्राइव आ चुकी है, लेट्स सी ये कहाँ है। अल्लाह के
चलें। आई हूँ आज ईमान के पास, तो सोचा क्या था, ये सोचा था कि मेरा आज क्या होगा, वैम्पायर फिल्टर। लेकिन कल एक बहुत ही खास दिन है, तो वैसे ईमान ने कहा नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते, तो इस वजह से अब ईमान ने मुझे कहा है कि ईमान मेरा कुछ ऐसा करेंगे जिससे मेरी स्किन ग्लो करे, तो बस इसलिए वैम्पायर फेशियल कैंसिल हो गया। वैम्पायर फेशियल फिर तरसों आऊंगी दो दिन बाद इंशाल्लाह। तो गाइस चलते हैं फेशियल की तरफ, जो भी ईमान करेगी उसके बाद हम फेशियल के बाद ही मिलेंगे। आप स्किन अपनी चमकती हुई लाएंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन पे क्या हो रहा है, ये देखें। तो ईमान क्या कर रही है अभी? तो हमने ड्रामा प्लानिंग से स्टार्ट किया है। हाँ, इसके बाद इंस्टेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि हम हाइड्रो फेशियल करेंगे या क्या चीज़ करेंगे। मेरे डार्क सर्कल्स भी बहुत हो रहे हैं ना। हाँ, डार्क सर्कल्स के लिए तो PRP करेंगे, लेकिन अभी आपका कल इवेंट है। उसके लिए कुछ स्पेशल करते हैं, सीक्रेट है ये। अब फिर ब्लॉग का हम लोगों ने टाइटल भी सोच लिया, कश्यप का स्पेशल डे। सिर्फ मेरा हाथ जरूर लेना। अच्छा ठीक है, हमारे ओके जबरदस्त, बहुत क्लीन हो रही है। आप लोग ब्लॉग में चेक करना, कृष्ण आप भी देखना ये वाली वीडियो। ईमान आज दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए, आप लोगों ने मैचिंग की आज? हाँ, हम दोनों ने ट्रेनिंग की थी, मैंने कहा था जाऊंगी काम कराने, तो ईमान मेरे जैसे कपड़े पहन के आना वरना काम पे बहुत फर्क पड़ेगा। भाई आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट अभी, आप लोग मेरी स्किन देख रहे हैं, बिल्कुल रेडिश जो थी वो भी खत्म हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है, बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है स्किन। और मैंने अपना ट्रीटमेंट कर लिया, और इट्स टू लेट क्योंकि मेरा घर यहाँ से 1 घंटा दूर है, और ईमान का क्लिनिक भी अच्छे में, तो बस अब घर जाऊँगी, और घर जाके आपको बताती हूँ कि घर में क्या चल रहा है। तो अगर आपको भी ईमान के क्लिनिक पे आना है तो ईमान का कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा। ओके, हाँ जी, तो घर आ चुकी हूँ, फर्नीचर का पूछ चुकी है, फर्नीचर आपको फाइनल लुक पर ही दिखाऊँगी जब वो कमरे में आ जाएगा तब दिखाऊँगी। और अभी आप लोग को टीवी लॉक का वॉलपेपर दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना। तो अस्सलाम वालेकुम फेस आप लग रहा है, चमक रही है ना। ईमान ने मुझे वो किया है, वो जो मैंने व्लॉग में बताया क्या है? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो जोहान? तो गाइस हम लोग बाहर आए हैं शादी करने के लिए, तो मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं की थी जो आज डलना है। तो आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आएगा, तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिएगा, दुआ में याद रखिएगा।